अरे किस तरफ़ रहे ओके कश्मीर साइड सो <laughs> so, आज वीकेंड ही लगाया है और फिर से एक बार स्पॉन्सर टीम इंसेंस थैंक यू टीम इंसेंस कि हम पर इतना ट्रस्ट किया और हमें ये अपॉर्चुनिटी आप दिए जा रहे ले हो सो so, अब कुछ ही देर में फ़्लाइट पाँच स्टार्ट होगा हमारा सो so, सभी बंदे रेडी है अपने वार्म वगैरह करके अब कुछ ही देर में हमें अपना फ़्लाइट पाथ पता चलेगा सो चलो गेस्ट करते कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है कहाँ से चालू हो रहा है सो फ्लाइट पाथ हमारा आ चुका है आर वगैरह लग रही है अब कुछ ही देर में मैच चालू होगा ओके सो पूरा अपर साइड से प्लेन जा रहा है मतलब पोर्ट डोबर में सा उसके पास गोरखा साइड से जाते हुए ये एंड हो रहा है मतलब अपर साइड पे नीचे के साइड मतलब आपका कैसल विला तक आप ग्लाइड कर सकते हो एक डायनो पार्क फिर वहाँ से कैसल वगैरह कॉमर्स जोर उसके बाद में सीमेंट फैक्ट्री जाना थोड़ा आ, मतलब मुश्किल हो सकता है यहाँ पे बहुत ही अलग किस्म का मैप है गए बिकॉज ऑफ इस मैप को खेलते हो आपको पता होगा कि अपर साइड टोटली मतलब वाइट वाइट मतलब पूरी बर्फीली और नीचे की साइड पूरी घास वाली मतलब वहाँ पे कैंपर होते हैं सो आप नीचे कमेंट करके बताना आपका फेवरेट ड्रॉप प्रोफेशन कौन सा है इसमें तो ऑलमोस्ट सभी टीम ने यहाँ पर ड्रॉप लिया हुआ है आई थिंक ये सभी टीमों ने यहाँ पर ड्रॉप लिया गया है सभी टीमों के साथ तो अब हम देखते हैं के पास हमारी एक ही टीम दिखाई दे रही है वो है टीम नंबर सेवन और डोंट प्रेडिक्ट करते गाइस मेरे मेरे को लगता है पोर्ट की साइड से बिकॉज वीकेंड ऐसा माँ पे कि स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकेंड जोन में यहाँ पे 50 परसेंट लैंड और 50 परसेंट वाटर में होता है और यहाँ पे आई थिंक डाइनोपार पर दो टीम आए हुए हैं टीम नंबर टू और टीम नंबर सेवनटीन जैसे भी आई थिंक यहाँ पे इनके आस पास ये कहीं कहीं से तो फर्स्ट सर्कल है गैस गैस और देखो जैसा मैंने कहा था यहाँ पे फ़ाइट तो हालांकि चालू हो चुकी है टीम नंबर टू का एक बंदा नॉक भी हो चुका है यहाँ पे और यू से और एक बंदा से सिक्योर भी कर लिया गया है थक की तरफ से और यहाँ पे फाइट चालू है, और हमारा जोन परफेक्ट मैंने जैसा कहा था पोर्ट साइड ऊपर की साइड बना है हमेशा की तरह थर्टी वाटर और सेवेंटी लैंड सो यहाँ पे टीम नंबर टू ने अर्ली फाइट में अपना एक बंदा खो दिया है पहले आई थिंक ये अब नीचे से जाके वेट करके फ्लैंक वगैरह करना चाहेंगे बिकॉज टीम नंबर एट के बंदों ने तुरंत उन पर पुश कर दिया है बिकॉज आई थिंक टीम नंबर पहले ही टीम नंबर टू मतलब आई थिंक पायरेट पहले ही थ्री मैन स्कॉड खेल रहे थे एक बंदा अर्ली फाइट में जाने के वजह से अब टू वी फोर खेलना पड़ेगा बट उन्हें ध्यान देना होगा बिकॉज उनके जस्ट ऊपर टीम नंबर 17 अपनी जे भी खड़ी है तो पिछले बार के विनर्स इरेंगल के और यस वो ऊपर की तरफ है और टीम नंबर एट यहाँ पे उन्होंने मतलब टीम नंबर टू को खदेड़ कर बाहर भगा दिया है पोर्ट से फ़िलहाल हम टीम नंबर सेवन के पास चलेंगे बिकॉज वो आराम से लूट कर रही होगी उनके आसपास फ़िलहाल के लिए कोई टीम नहीं है और वो टू मैन स्क्वाड भी खेल रहे हैं यहाँ पे फाइट हमें दिख रही है यहाँ पे एक एम से एक बंदे को नॉक कर दिया गया है एम फोर मिली है इन्हें स्लेयर को फिलहाल लेवल वन का वेस्ट नहीं है इनके पास लेवल वन का हेलमेट है लेवल वन की बैग है पाँच बैंडेजेस दो पेनक्यूलर्स और एक हीलिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं अब हम इनके साथी के पास चलेंगे बैरल और एम फोर लगाई है मस्त स लगाई गई है बैरल की वाइट वाइट कपड़े डाल के वाइट वाइट, वाइट बाल करके आगे बढ़ रहे बैग वगैरह कुछ नहीं मिले हाँ बस बट इन्हें लेवल थ्री का एक वेस्ट मिल चुका है अभी एक फर्स्ट एड भी मिला है और दस बैंडेजेस हैं इनके पास और इसी के साथ वो आगे बढ़ेंगे सो यहाँ पर फ्लाइट फ्लाइट बहुत चल रही है और आई थिंक हमारा फर्स्ट फ्लेयर ड्रॉप आ चुका है एम के और ग्रोजा लेवल्स सेवन एम एम की वन ट्वेंटी बुलेट्स और लेवल थ्री का जैकेट और लेवल थ्री का हेलमेट ग्रोजा एक कोस कोम्बैक्ट में बहुत ही बढ़िया हो सकता है एम के भी एम के पे भी आप बहुत ही मतलब ब्रश पे भी अच्छा चलाना सकते हैं मगर चलाने वाला अच्छा होना मांगता है गाइस और जैसे भी पवन ने यहाँ पे एक बंदे को नॉक किया और जैसे भी हमू को यहाँ पे नॉक कर दिया है और काल ने यहाँ पे अक्षय को यूजी से नॉक कर दिया है यहाँ पर फाइट चल रही है गाइस हम उनकी तरफ चलेंगे टीम नंबर ट्वेंटी फोर आई थिंक हमारी जैसी भी है सो यहाँ पे बहुत सारी टीमें नॉक हुई जा रही है नहीं ओके टीम नंबर ट्वेंटी फोर के यहाँ पे फ़ाइट चालू थी तो so अब अगर देखो फैक्ट्री साइड कोई नहीं गए सीमेंट फैक्ट्री के साइड आई थिंक कोई गए नहीं है यस yes, यहाँ पे फ़ाइट चालू है टीम नंबर ट्वेंटी फोर के आसपास नहीं है ये फ़ाइट आई थिंक यस टीम नंबर एटीन की तरफ ये फाइट है आई थिंक टीम नंबर एटीन टीम नंबर सिक्सटीन टीम नंबर थर्टीन और टीम नंबर ट्वेंटी टू ने आप यहाँ पे मतलब एक जैसे भी एक क्लैन था उन्होंने उनके दो टीम से थे गैर एक टीम ने अर्ली फाइट में अपना सब कुछ खो दिया है टीम नंबर एटीन के यहाँ पे तीन बंदे नॉक थे आई थिंक दो बंदे नॉक थे रिवाइव करेंगे और वापस से मैच में बकअप करेंगे क्रेट्स वगैरह लूट रहे हैं दैट्स मीन की उन्होंने एक टीम को यहाँ से वाइपआउट कर दिया है जिला में दो टीम्स आई थी आई थिंक टीम नंबर ट्वेंटी ने उन्हें स्पॉट किया और ओमी को सडनली नॉक कर दिया सो हम टीम नेड आया है आई ओके स्मोक किया गया टीम नंबर ट्वेंटी फोर यहाँ पे और पुश किए जा रहे हैं बिकॉज धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश चल रही है यस yes, विला ये यही कंपाउंड है जिसमें पी एम सी में टीम सोल ने यहाँ पे चिकन डिनर निकाला था मॉर्टल ने हील बैटर करके एक बहुत ही बढ़िया गेम का प्रदर्शन दिखाया गया था यहाँ पे क्या टीम नंबर एटीन या टीम नंबर फोरटीन ट्वेंटी फोर हमें वो उस तरह का गेम प्ले दिखाएंगे बिकॉज एक बंदा टीम नंबर ट्वेंटी फोर का आके कर रहा है ओके ओपन में यूजी से शॉट लेने का पूरी कोशिश की एक बंदे को नॉक भी किया है पूरा टीम आया है बट फिलहाल के लिए वो एक कवर के नीचे गए हैं और आई थिंक आएगा उनके ऊपर ओमी स्टेप्स पर है ओमी ने शायद एक बंदे को नहीं ओके डाउन रिचे उस पर यूजी का प्रहार यूजी से जवाब दिया जा रहा है और मगर ऑफ गार्ड थे पीछे की तरफ था और विप्रा को यहाँ पे नॉक कर दिया उनको शायद पता नहीं है टीम नंबर ट्वेंटी फोर की ओमी स्टेप्स पे खड़े हैं मगर ओमी को शायद ये ध्यान रखना होगा कि पीछे से भी एक प्लेयर आ रहा, रहा है मगर सडनली यूजी से ओमी को भी नॉक कर दिया और टीम नंबर एटीन का आकाश अक, एक ही प्लेयर बाकी है बाकी दोनों भी ब्लीड आउट होकर उन्हें फिनिश कर जाए टिंग आकाश को यहाँ से निकलना होगा बट टीम नंबर ट्वेंटी फोर उन्हें निकलने नहीं देगी यस आकाश ने एक बंदे को नॉक किया है बट आकाश को यह इंस्टेंटली पिकअप करके फिनिश कर दिया जाएगा टीम नंबर सिक्सटीन का खेल यहीं पे ख़त्म हो जाएगा और टीम नंबर ट्वेंटी फोर विला से आने वाली हमारी एक ही टीम बची है वो है टीम नंबर ट्वेंटी फोर और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे सो so, हमारा आई थिंक और एक एयर ड्रॉप आ चुका है ये yes, फ्लेट ड्रॉप मंगाया गया था टीम नंबर सेवेंटीन की तरफ से सेम डी वी एस आई ए मगर और एम के अभी तक हमने दो फ्लेयर देखे है और एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ एक फर्स्ट एड और लेवल थ्री का हेलमेट और वेस्ट टीम नंबर सेवेंटीन के आसपास टीम नंबर एट भी है और टीम नंबर सेवेंटीन अपना ड्रॉप लूटेगी और आगे बढ़े हम लोग टीम नंबर एट के पास चलेंगे टीम नंबर शिवा यहाँ पे पाइसन चलाते हुए दिख रहे हैं और वो उन्होंने आई थिंक टीम नंबर सेवेंटीन को स्पॉट कर लिया है बिकॉज वहीं से भी ड्रॉप आया है और मिस फायर रहा है ए के एम आई थिंक यस ए के एम और पाइसन चला रहा है लेवल थ्री की बैग है उनके पास लेवल टू का हेलमेट और लेवल टू का वेस्ट है आई थिंक शिवा पुश करना चाह रहे हैं उनके ऊपर क्या उनस टीम नंबर एट टीम नंबर सेवनटीन पे पुश करने की पूरी कोशिश कर रही है बिकॉज वो उनके अब सामने वाले कंपाउंड पे आई है और आई थिंक टीम नंबर सेवनटीन जैसे भी को ये अभी तक पता नहीं है कि उनके सामने वाले कंपाउंड में एक टीम आके खड़ी है जो है टीम ओ पी थग और निंजा डेविल और शिवा आगे आ चुके हैं यस yes, शिवा की तरफ से शॉट्स लेने की कोशिश कर रही है और फिलहाल तो कोई दिख नहीं रहा यस yes, यूजी का गेम है और यहाँ पे एक बंदे को नॉक कर दिया है टीम नंबर सेवेंटीन के टीम नंबर एटीन की तरफ से डेविल ने नॉक कर दिया है आई थिंक डेविल भी नॉक है यस yes, डेविल भी नॉक है डेविल को भी ओमकर ने शायद नॉक किया होगा बट इंस्टेंटली दोनों के बीच में बहुत सारा गैप पे सो so, तुरंत हो जाएगा निंजा आई थिंक फ्लैंग करने की कोशिश कर रहे हैं अपने डेविल को उठा दिए हैं उन्होंने बट आई थिंक निंजा फ्लैंग करने की कोशिश कर रहे हैं फोर वी फोर के बहुत ही बढ़िया फाइट हमें यहाँ पे एक दिखाई देने वाली है और यहाँ पे अपना एयर ड्रॉप आ चुका है हम एयर ड्रॉप के पास चलेंगे सो so, एयर ड्रॉप पर हम अगले एयर ड्रॉप पर चलेंगे सो so, यस yes. यहाँ पे और एक फ्लेयर मंगाई गई थी गाइस टीम नंबर नाइनटीन की तरफ से फ़िलहाल तो इसमें सिर्फ एयर सप्रेसर बाकी है बाकी का सब लूट के चले गए है तो हमारा फर्स्ट एयर ड्रॉप आया है जो है पानी में कोर्स उसमें है डी बी एस सप्रेसर एयर और लेवल थ्री का प्रॉपर गियर और यहाँ पे थग ने ओ पी ने यहाँ पे नॉक कर दिया है यस हम वापस टीम नंबर नाइन की तरफ चलेंगे जो हम फाइट पहले देख रहे थे नहीं आई थिंक ये वाली फाइट अलग थी ओके टीम नंबर एट की तरफ से शिवा के पास फिलहाल के लिए एक किल है टीम नंबर सेवेंटीन का एक बंदा सिक्योर ओके टीम नंबर सेवनटीन के दो बंदे नॉक है स्लेयर और अर्जुन नॉक थे अर्जुन को फिलहाल रिवाइव दे गए और टीम नंबर एट का एक अग्रेसिव पुश देखने को मिल रहा है शिवा और थक अंदर घुस चुके हैं क्या यहाँ पे होगा बिकॉज यस ओमकार को नॉक किया है और उनको पता नहीं है आई थिंक कि अर्जुन बाहर है अर्जुन हील कर रहे थे और अर्जुन फाइट ले रहे हैं आई थिंक ये शिवा को नॉक किया है जैसे भी के एक एक बंदा डाउन है गाइस हर एक का और इनके चलाने की पूरी कोशिश चल रही है इस पीछे नॉक है और आई थिंक यहाँ पे टीम नंबर सेवेंटीन का एक बंदा फाइट ले रहा है अकेला और ये yes, शिवा यहाँ पे नॉक है और यहाँ पे हम अगर देखें तो टीम नंबर नाइन को यहाँ से टोटली निकाल दिया गया है यस यस टीम नंबर नाइन यहाँ से बाहर जाती हुई और टीम नंबर सेवेंटीन ने ये एक बहुत ही बढ़िया जेसीबी ने एक बहुत ही बढ़िया अच्छा क्लच निकाला था बिकॉज ऑलमोस्ट उनके सारे बंदे नॉक थे यहाँ पे श्रेय भी नॉक थे और यस yes, और एक नंबर वन बंदे ने पूरा क्लच निकाल दिया है मतलब वन वी फोर करके मैच को पूरी तरह से घुमा दिया है ऑफकोर्स अब बहुत सारी क्रेट होगी अपने टीम मेट्स के दो क्रेट्स और अपोनेंट के चार क्रेट्स टोटली छः क्रेट्स छः क्रेट्स उठेंगे हील करेंगे श्रेयू और आगे बढ़ेंगे अपना जोन कटआउट होना शुरू हो चुका है गाइस सो so, यहाँ पे टीम नंबर थ्री के यहाँ पे एक फाइट चलू है हम उस फाइट की तरफ चलेंगे ये फिलहाल तो इनके पास कोई दिख तो नहीं रहा सो so, हमारा एयर ड्रॉप नंबर टू भी आ चुका है हम एयर ड्रॉप नंबर टू की तरफ जाएंगे टीम नंबर नाइनटीन एयर ड्रॉप नंबर टू के बहुत ही क्लोज है एम के आई है लेवल थ्री का पूरा गेयर है और एक मेडिकड है और सेवन एम एम के सिक्सटी बुलेट्स सो so, हम टीम नंबर थ्री को एक्सपेक्टेड कर रहे थे टीम नंबर नाइनटीन के पास हम चलेंगे बिकॉज उनके क्लोज़ वहाँ पे ड्रॉप है क्या वो एक ड्रॉप लेना पसंद करेंगे अभी तक गए फिफ्टी टू प्लेयर्स अलाइव है और सेवनटीन टीम्स खेल रही है सेवनटीन टीम्स बाकी है अभी तक अभी तक हमने ये कुछ टीमें खोई है टीम नंबर ट्वेंटी टू टीम नंबर एटीन टीम नंबर सिक्सटीन थर्टीन ट्वेल्व टीम नंबर नाइन टीम नंबर एट टीम नंबर फोर ये टीम हमने कुछ खोई है और कुछ बंदों के एक एक, 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 एक बंदे जा चुके हैं आई थिंक टीम नंबर टू की तरफ चलेंगे उन्होंने अर्ली रोटेशन में अपना एक बंदा खो के बहुत ही बढ़िया तरीके से कैम करके खेल रहे देखो गाइस कैम करना ये भी एक आर्ट होता है बिकॉज़ उतना पेशेंस आप में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और पब्जी इस गेम में आपको पेशेंस और सर्वाइविंग पॉइंट्स चाहिए होते हैं आप जितना पेशेंस दिखाओगे उतना सामने वाला गलतियाँ करके आप उस पर क्लच कर सकते हो फिलहाल इनके पास जी एस एम ट्वेंटी फ़ोर चला रहे लेवल थ्री का वेस्ट है लेवल टू का हेलमेट है लेवल टू की बैग है और सिर्फ दस बैंडेजेस है हीलिंग के तौर तो पे और बाकी कुछ नहीं है और सेम दोनों भी एम ट्वेंटी फोर चला रहे और एम फोर चला रहे लेवल टू का वेस्ट है लेवल टू की बैग है लेवल टू का हेलमेट है दस बैंडेजेस दो फर्स्ट एड दो पेनक्यूलर्स और दो हीलिंग्स सो so, यहाँ पर अर्जुन ने एक बंदे को नॉक किया यस yes, जोन के बाहर फ़ाइट चालू थी यस yes, रेड रेड्रॉप पे फाइट चालू थी ये फ्लेयर ड्रॉप पे, सो so, हम लोग उस तरफ बढ़ेंगे एक बंदा नॉक है यस yes, उसे रिवाइव कर रहे हैं, यस yes, यहाँ से उन्होंने आई थिंक एक टीम को उन्होंने यहाँ से सिक्योर कर दिया है फ़िलहाल एयर ड्रॉप तो मुझे तो हमें तो एमटी दिखा रहा है मगर ये बंदे एयर ड्रॉप लूटने जा रहे हैं आई डोंट नो ये क्या चल रहा है अर्जुन हील कर रहे हैं यस ए डब्लू एम आई थी आई थिंक यस ए डब्ल्यू एम और लेवल थ्री का वेस्ट और लेवल टू का हेलमेट था उसमें जो यहाँ पे उठाया गया है नंबर टीम नंबर थ्री की तरफ के एक बंदे की तरफ से सो so, यहाँ पे अगला सर्कल हमारा आ चुका है गाय सेकेंड फेज बन गया बन चुका है हमारा आप कुछ ही दस सेकेंड में और एक सर्कल आना चालू हो जाएगा और हमारा थर्ड फेज बन जाएगा अभी भी गए फिफ्टीन टीम्स लाए हुए और फोर्टी फाइव प्लेयर्स बाकी ज़िंदा है अभी तक और मोस्ट सारे प्लेयर्स अभी तक जोन में आ चुके हैं बस एक दो टीम्स बाकी है जो उन्हें जाना है अगर हम अभी फाइट देखें तो ड्रॉप के यहाँ पे हमें यहाँ पे एक फाइट दिख सकते अरे एक है ओके कोलमिन के आसपास मतलब कॉसमोडोर के आसपास एक फाइट दिखाई सक, दे सकते बिकॉज उस तरफ टीम नंबर फिफ्टीन भी है और टीम नंबर टेन भी है हम लोग उनकी तरफ चलेंगे बिकॉज आई थिंक वो लोग एक ही कंपाउंड में होल्ड कर रहे हैं यस आई थिंक अभी तक स्पॉट नहीं किया है किसी ने किसी किसी भी टीम को बिकॉज सामने थोड़ा फार डिस्टेंस हो सकता है उसी के वजह से यह भी एरिया एक बहुत बड़ा होता है यहाँ पे आपको भी एक अच्छी लूट मिल जाती है यस yes, टीम नंबर टेन आए और हमारी टीम नंबर फिफ्टीन है फिलहाल किसी भी बंदे ने किसी को भी स्पॉट नहीं किया है सो so, तब तक यहाँ पे डेड गन ओ पी सिक्स किल लेके बैठे हैं okay, ओके कैसे यहाँ पे ऑलरेडी इनको टीम ने नाइन किल्स निकाले हैं और इनके अकेले के उसमें के सिक्स है लेवल थ्री का वेस्ट इनका थोड़ा बहुत डैमेज है लेवल टू का वेस्ट हेलमेट है इनका लेवल थ्री की बैग है दो फर्स्ट एड है आठ बैंडेजेस है।, है दो पेन किलर्स और एक हील है इनके पास सो so, पैरल खड़े है एक क्रेट लुटेंगे शायद यहाँ पे फाइट हो गई थी यस yes, हमारा अगला सर्कल आना स्टार्ट हो रहा है कुछ ही देर में हमें हमारा थर्ड फेज बनता हुआ दिखेगा सो so, सर्कल अभी भी गाइस वाटर में है ट्वेंटी परसेंट वाटर में है और टे और सेवेंटी परसेंट यहाँ पर आई थिंक स्पॉट कर लिया टीम नंबर टेन की तरफ से शॉट्स लेने की कोशिश ओके okay, रैंडम फायर हुआ था तो so, हमारा अगला एयर ड्रॉप भी एक आ चुका है हम एयर ड्रॉप को एक्सपेक्टेड करेंगे ओके okay, ये एयर ड्रॉप भी लूटा हुआ दिखाई दे रहा okay. है ओके ए डब्ल्यू एम आई है गाइस इसमें और गिली सूट जो कि अभी आप देख रहे हो बिकॉज टोटली पोर्शन अपर साइड गया है तो वाइट सरफेस होगा गिली सूट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा लेवल थ्री का बैग लेवल थ्री की वेस्ट और लेवल थ्री का हेलमेट एक क्विक ड्रॉ एक्सटेंडेड वो भी स्नाइपर का और ऑम ये ड्रॉप गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है बिकॉज टोटली परफेक्ट पैकेट है और इसके पास है टीम नंबर हमारी सेवनटीन जे सी बी सो जे सी बी के फ़िलहाल दो ही बंदे बाकी आई थिंक उन्हें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए बिकॉज़ दोनों भी असोल्टिंग का काम करें तो एक पोजीशन होल्ड करके एक अच्छे पोजीशन पे जा सकते हैं टीम नंबर सिक्सटीन और टीम नंबर ट्वेंटी फाइव ऊपर की तरफ है हम उनकी तरफ चलेंगे सो so, टीम नंबर ट्वेंटी फाइव दो के स्प्लिट्स में खेल रहे आई थिंक उन्होंने टीम नंबर सिक्स को स्पॉट कर लिया है यस yes, नेड कुक किया है उन्होंने नेड कर रहे है क्या ये नेट कनेक्ट हो पाएगा यस yes, नेट किया है यस yes, नेट कनेक्ट किया है बंदा नॉक हो चुका है बट इंस्टेंटली टीम नंबर सिक्स का एक बंदा आके रैप कर देगा सेम उनकी तरफ भी मॉली गिर चुकी है टीम नंबर ट्वेंटी फाइव की तरफ और यस yes, पुश दिखाई दे रहा है यस टीम नंबर सिक्स की तरफ से पुश दिखाई दे रहा है टीम नंबर सिक्स का एक ही बंदा लाइव टू वी टू की फाइट चल रही है बिकॉज यहाँ पे एक बंदा नॉक होने के वजह से टू वी वन की फाइट चल एक बंदे को क्या नॉक कर पाएंगे यस आई थिंक एक बंदे को नॉक किया है वन वी वन की फाइट है दोनों टीम का एक एक बंदा नॉक है और यहाँ पे प्री फायर देने की पूरी कोशिश दी जा रही है हे, हेल्थ कम है उनका एक बंदा ब्लीड आउट हो रहा है क्या फाइट लेंगे या फिर अपने बंदे को रिवाइव करेंगे स्मोक वगैरह यहाँ पे हो चुके हैं बंदे को बाहर से स्पॉट करने की पूरी कोशिश की जा रही है यस yes, स्पॉट कर लिया है बगैर अंदर जाने के वजह से उन्होंने उन्हें बचा लिया है तो यस बाहर आए मगर उन्होंने उन्हें स्पॉट नहीं किया था टीम नंबर सिक्स को सिक्स ने टीम नंबर सिक्स ओके okay, टीम नंबर ट्वेंटी फाइव ने टीम नंबर सिक्स के बंदे को स्पॉट नहीं किया था फ्री फायर देते बाहर आए और इंस्टेंटली वो फिनिश हो गए उन्होंने अपने बंदे को भी एक खो दिया है अब वन वी से फाइट लेना पड़ेगा और बहुत ही जल्द हमारा फोर्थ फेज़ भी चालू हो सकता है बिकॉज़ वीकेंड ही आपने देखा होगा इस जल्दी जल्दी ख़त्म होने वाला मैच है इसमें आई थिंक कुछ ट्वेंटी फोर या ट्वेंटी फाइव मिनट तक ये मैच टोटली ख़त्म हो जाता है और अब सर्कल क्लोज हो चुका है तो अब फाइट बहुत होगी अब किल फिर दौड़ना चालू हो जाएगी बिकॉज अभी भी ट्वेंटी परसेंट एरिया पानी में ही है और इनके पास है टीम नंबर फाइव टीम नंबर सिक्स के थोड़ी फास्ट मतलब थोड़ा डिस्टेंस है बट आना होगा अब हमारा जोन भी क्लोजिन होना जाएगा अब जोन का डैमेज भी बढ़ेगा जहाँ पर टीम नंबर ट्वेंटी थ्री और टीम नंबर सेवन जोन के बाहर आई थिंक उनकी फ़ाइट चलिए सो तो ये मैं बहुत ही गलत चीज़ है बिकॉज आप जोन के बाहर फाइट लोगे सो तो उसमें कुछ भी रीज़न नहीं है बिकॉज आप जोन का डैमेज ऑलरेडी ले रहे हो और उसके ऊपर आप पे बुलेट्स आ रहे हैं तो वो और डैमेज आ जाएगा सो so, यस yes, यहाँ पे टीम नंबर सेवन जोन में आ चुकी है टीम नंबर फोर्टीन भी आई थिंक जोन में आ चुकी है येस टीम नंबर फोर्टीन टीम नंबर ट्वेंटी थ्री सभी टीम जोन में आ चुकी है और अब हमें एक नया सर्कल देखने को मिल सकता है बहुत अच्छा जल्दी यस yes, अभी भी गाइस टेन परसेंट एरिया पानी में है जो टीम पानी में अगर किसी टीम ने कैम्प किया होता तो अभी तक वो आ चुकी होती बिकॉज अभी तक फोटीन टीम्स अलाये और फोर्टी वन प्लेयर्स अलाये अभी तक यहाँ पे पोर्ट से हट के अब आई थिंक कॉस्मो कॉस्मोडोर में जोन आया है सो कॉस्मोडोर आई थिंक सेंटर है उसका ये हमारा अगला एयर ड्रॉप आ चुका है जिसके नज़दीक टीम नंबर टेन और टीम नंबर फाइव है जो इसमें एम टू फोर नाइन आई है टीम नंबर फाइव आई थिंक इसके बहुत ही क्लोज़ है और टीम नंबर टेन टीम नंबर फिफ्टीन भी क्लोज है एक ही कंपाउंड में टीम नंबर फाइव रॉयल और वो एक ही कंपाउंड में एम फोर आई थी एम टू फोर नाइन आई थी एयर सप्रेसर रहता है लेवल थ्री का पूरा गियर रहता एक मेडिकट uh, था और लेवल फाइव के सो बुलेट्स तो हम लोग टीम नंबर फिफ्टीन के तरफ चलेंगे बिकॉज कॉस्मोडोर में रॉयल के पास यस yes, एक बंदा नॉक हो चुका है रॉयल का सो so यहाँ पे एक फाइट चालू है टीम नंबर फिफ्टीन और आई थिंक टीम नंबर टेन है yes, टीम टीम नंबर फिफ्टीन और टीम नंबर टेन की तरफ टीम नंबर फिफ्टीन का एक बंदा पीछे की तरफ खड़ा है और तीन बंदे आगे एक बंदा आई थिंक यस उन्हें रिवाइव मिल चुका है हील करेंगे और यहाँ पे फाइट दिखाई दे रही है एम के के कुछ शॉट दिए जा रहे हैं थ्री वी टू की यस yes। यू जी का कमाल यस yes। टीम नंबर टेन का एक बंदा नॉक हो चुका है दो बंदे अभी भी आला है और टीम नंबर फिफ्टीन का एक भी दो बंदे आई थिंक नॉक है यस टीम नंबर फिफ्टीन के दो बंदे नॉक है कैप एक बंदा टीम नंबर टेन का रश करने की कोशिश कर रहा है मगर उन, उसने तीन बंदे नॉक कर एक बहुत ही बढ़िया मैच यहाँ पे दिखाई दे रहा है टीम नंबर टेन और टीम नंबर फिफ्टीन के वन वी थ्री की फाइटें एक बंदा रिवाइव हो रहा है क्या यहाँ पे यस yes, और यहाँ पे टीम नंबर फिफ्टीन का गेम यहाँ पे ख़त्म होते हुए टीम नंबर टेन ने टीम नंबर फिफ्टीन को टोटली इस गेम से बाहर कर दिया है बिना एनी अदर कैजुअल्टीज आई थिंक यस yes, कैजुअल्टीज शायद उनकी हुई होगी बिकॉज उन्होंने थ्री मैन स्कॉड ही खेल रहे थे वो यस फोर मैन स्कॉड थे एक बंदा अर्ली रोटेशन में उन्होंने गवा दिया था और यहाँ पे क्रेट्स मिलेंगी तीन क्रेट्स मुफ्त के लूटेंगे अपनी हिल पूरी करेंगे और आगे बढ़ेंगे बहुत ही बढ़िया गेम यहाँ पे टीम नंबर टेन ने दिखा है अब उनके सामने वाले कंपाउंड में आई थिंक टीम नंबर टेन है टीम नंबर थ्री है अगला हमारा फिफ्थ पेस भी बन रहेगा बहुत ही जल्द फिफ्थ पेज बनेगा और आई थिंक ये पूरा लैंड पे आएगा बिकॉज टेन परसेंट टी वाटर सिटी टीम का और जोन ने सडनली शिफ्ट होकर डाउनवर्ड की तरफ चला गया है मतलब अब टीम नंबर सिक्स टीम नंबर फोर्टीन और टीम नंबर इलेवन को जोन में मूव करना होगा अभी अगर गाइस कोई टीम टीम में है सो वो है जोन में परफेक्ट है तो है टीम नंबर टेन बिकॉज वो ऑलमोस्ट सेंटर की तरफ है ना नहीं कह सकते बट उनके तरफ भी जोन कट सकता है पूरी पूरी पॉसिबिलिटी की बिकॉज उनके तरफ जोन है और उन्हें शायद पता नहीं कि उनके सामने टीम नंबर टेन को शायद पता नहीं कि उनके सामने वाले कंपाउंड में जस्ट टीम नंबर फाइव होल्ड कर रही है सो टीम नंबर इलेवन धीरे धीरे जोन में आने की पूरी कोशिश कर रही है और टीम नंबर फोर्टीन और टीम नंबर आई थिंक फोर है हम टीम नंबर फोर की तरफ चलें फोरटीन की तरफ चलेंगे तो यस टीम नंबर 14 फिलहाल और टीम नंबर 14 और टीम नंबर टू है ओके okay, एक मिनट ये कट क्यों नहीं हो रहा ये yes, सभी टीम जोन में जा रही है टीम नंबर इलेवन है टू टू के पेयर्स में ओके okay, मतलब बाइक से दो दो के स्प्लिट्स में जा रहे हैं सो कंपाउंड होल्ड किया है, so, है उन्होंने भी आई so, थिंक कुछ इश्यूज के वजह से ये नहीं हो पाया सॉरी तो हम मैच में बकअप कर रहे हैं टीम नंबर इलेवन ने एक कंपाउंड होल्ड किया है और उनके सडनली नीचे टीम नंबर सेवेंटीन है यहाँ पे फाइट चल रही है टीम नंबर टेन के बीच में तो हम टीम नंबर टेन की तरफ चलेंगे यस उन्होंने टीम नंबर ट्वेंटी वन के एक बंदे को आई थिंक वाइपर यहाँ पे नॉक है टीम नंबर ट्वेंटी वन के वाइपर यहाँ पे नॉक है और टीम नंबर टेन ने टीम नंबर फाइव को यहाँ पे स्पॉट कर लिया और सेम थिंग आई थिंक टीम नंबर फाइव ने भी उन्हें स्पॉट कर लिया सो दैट्स में उन पर शॉर्ट्स आए जा रहे थे टीम नंबर फाइव के फिलहाल तीन प्लेयर्स बा तीन प्लेयर्स अलाइव है और यहाँ से यूजी गाइस बिकॉज ये वीकेंड ही एक एस का मैप है बिकॉज इसमें आपको नाइन एम की बहुत सारी गन्स यूज़ करने को मिल रही है आई थिंक यहाँ पे दो फ्लेयर ड्रॉप मंगाए थे येस yes, यहाँ पे दो फ्लेयर ड्रॉप मंगाए गए थे तो so, ये तो ओपन नहीं हो रहा ओके okay, यहाँ पे ड्रॉप यहाँ पे फाइट चल रही है हमारी टीम नंबर ट्वेंटी थ्री के आसपास पास yes, टीम नंबर ट्वेंटी थ्री के यहाँ पे फाइट चल रही है तो so, हम लोग टीम नंबर यस बट टीम नंबर टेन को स्पॉट कर लिया गया है जोन आ रहा है आप देखोगा इस राइट साइड में बहुत सारा क्लस्टर है बहुत सारी टीम को हर किसी को हर किसी का रोटेशन काटना है अगर सेफ है वो है अगला एयर ड्रॉप आ चुका है और जल्दी हमारा सिक्स फेस भी बनेगा और सिक्स फेस अभी भी कॉस्मोडोर में ही है गाइज सो so, वो एक अच्छी बात हो सकती है सो so, हमारा अगला एयर ड्रॉप एयर ड्रॉप नंबर सिक्स आ चुका है तो हम एयर ड्रॉप नंबर सिक्स टेकआउट करेंगे सो so, इसमें ऑग आई है गाइस ऑग एयर सप्रेसर लेवल थ्री का वेस्ट और लेवल थ्री का हेलमेट आई है सो so, यहाँ पे एक नेट से एक बंदा नॉक हो चुका है सो so, फिलहाल सभी टीम्स यही इस ड्रॉप के आसपास है टीम नंबर सेवनटीन इलेवन टीम नंबर फोटीन और टीम नंबर टू टीम नंबर टू ने गाइस बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है यहाँ पे पायरेट ने बिकॉज अर्ली फाइट में जैसे वो लैंड हुए थे यहाँ पे ओपी ने आई थिंक एक बंदे को हेड शॉर्ट दिया है ओम से बहुत ही बढ़िया यस yes, टीम नंबर टेन का आई थिंक एक बंदा नॉक है टीम नंबर टू की हम लोग बात कर करें तो टीम नंबर टू ने बहुत ही बढ़िया गेम का प्रदर्शन हमें दिखाया है बिकॉज अर्ली फाइट में उन्होंने अपना एक बंदा खो के भी अभी तक टू मैन स्टैंड है टीम नंबर टेन का यहाँ पे एक बंदा नॉक है ओके okay, जोकर भी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं यस गैस जोकर को भी यहाँ पे नॉक कर दिया है आई थिंक ये फायर टीम नंबर ट्वेंटी की तरफ से चल रहा है बिकॉज टीम नंबर टेन पे यस टीम नंबर टेन यहाँ पे सिक्योर होती हुई दिख रही है बिकॉज ऑल सभी बंदे उनके नॉक के टीम नंबर वन की तरफ हम चले हैं आई थिंक स्पाइडी ने टीम नंबर फाइव के एक बंदे को स्पॉट कर लिया है यस यस टीम नंबर वन की तरफ से पूरी फाइट पूरी फाइट दिखाई जा रही है यस टीम नंबर थ्री के एक बंदे को बैरल पर टूएस लगा के स्पाइडी नॉक कर यस उन्होंने इंस्टेंटली उन्हें सिक्योर भी किया टीम नंबर थ्री ओ पी यहाँ पे नॉक के एक ही बंदा बाकी है उनका फ्री फायर देने की पूरी कोशिश की अपने एक बंदे को क्या उठाएंगे यस यहाँ पे कुनाल रश करते हुए दिख रहे फ्री फायर तो उन्होंने दिया है बगर अंदर नहीं है बिकॉज उनका एक उनका भी एक बंदा नॉक है यहाँ पे टीम नंबर थ्री के यस टीम नंबर थ्री के तीन बंदे एक बंदा ऊपर है और दो बंदे नीचे है दैट्स वाई आई थिंक कुनाल अंदर नहीं yes, decision, है यस दैट्स ग्रेट डिसीजन टीम नंबर थ्री के बंदे पीछे जा रहे हैं सो so, हम एक दूसरे एंगल से भी देखेंगे गैस यस कंपाउंड होल किया है एक बंदा अपना नॉक था जिसे उन्होंने ब्लीड आउट हो चले गए और एक बंदा नॉक था आई थिंक स्पाइडर उन्हें रिवाइव देंगे अथर्व को यस yes, स्पाइडर उन्हें रिवाइव देने आ चुके हैं सो आई थिंक और एक बंदा कहाँ पे उन्हें जल्दी ही रिवाइव करके जोन में भागना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे कुनाल भी नॉक के टीम नंबर थ्री के दूसरी तरफ फाइट चले हुए और सिक्स फेस बन रहा है गैस दैट्स मीन यस अब अथर्व को उठाने का कोई फायदा नहीं होगा बिकॉज जोन का डैमेज तो बैठेगा ही और इसमें कुनाल भी आई थिंक नॉक हो सकते हैं स्पाइडी uh, भी आई थिंक नॉक हो सकते हैं, इसलिए स्पाइडी ने एक बहुत अच्छा डिसीजन दिखाया यहाँ पे टीम नंबर थ्री टीम नंबर वन के साथ फाइट ली जा रही है यस टीम नंबर फाइव यहाँ पे इस साइड टीम नंबर फाइव के एक साइड से यहाँ पे शॉर्ट्स लिए जा रहे हैं यस एम फोर से शॉट so लिए जा रहे हैं और हमारा सेवेंथ सिक्स सेवेंथ फेज भी बन चुका है सो टीम नंबर इलेवन है टीम नंबर ट्वेल्व है और टीम नंबर फोर्टीन और आई थिंक और एक टीम है टीम नंबर फाइव है यहाँ पे फिलहाल अलाइव सो यस यहाँ पे टीम नंबर फाइव के बंदे टीम नंबर थ्री का आई थिंक वेट कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने ट्रैप लगाया है स्पाइडी लगा को भी आगे आना है क्या वो स्पाइडी को और टीम नंबर थ्री को स्पॉट कर पाएंगे क्या स्पाइडी यहाँ से बच के निकल पाएंगे बिकॉज़ यहाँ पे टीम नंबर फाइव के बंदों ने भी एक ट्रैप लगेगा बिकॉज वो फोर मैन है थ्री वी वन है स्पाइडी एक साइड से आई थिंक धोन में जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं सेम डिसीज़न टीम नंबर थ्री भी ले रहे हैं स्पाइडी को वो फॉलो कर रहे हैं स्पाइडी को जल्दी से जल्द ये स्पॉट करके पता करना होगा यस yes, उन्हें फुट स्टेप तो आए हो गया आई थिंक सिक्योर होने की वो पूरी कोशिश करेंगे यस टीम नंबर थ्री ने उन पर रश कर दिया है उन्होंने टीम नंबर थ्री के एक बंदे को तो नॉक कर दिया है यहाँ पे टीम नंबर वन के एक प्लेयर का सफ़र यहीं पे स्पाइडी का सफ़र यहीं पे ख़त्म होगा और टीम नंबर थ्रू टू यहाँ पे आई थिंक बच निकली है टीम नंबर फाइव भी अब जोन में आने की कोशिश करेगी सो so, हम जोन की तरफ चलेंगे फिलहाल हमारी टीम नंबर इलेवन है फिलहाल जो टीम है जो प्रोन वगैरह हो के साफ बाप हो के ए केम वगैरह चला रहे है पूरी जितने की पूरी कोशिश कर रहे हैं बिकॉज इन्होंने भी अपने दो बंदे अर्ली फाइट में गमा दिए थे यहाँ पे योगी ने एक बंदे को नॉक कर दिया है यस yes, यहाँ पे फाइट जोर से चालू है बिकॉज टीम नंबर इलेवन अगर आप छोड़ो तो सभी टीम को एक ही साइड से आना है और हर किसी ने हर एक का रास्ता काट के रखा है अगर आप टीम नंबर फाइव ऐसी टीम है जिसके पास फोर मैन स्टैंड है और वो भी फिलहाल के लिए नॉक है यस यहाँ पे गए देखो पूरा क्लस्टर है आप कह नहीं सकते कौन सी टीम कहाँ से आप पे थर्ड पार्टी करे बिकॉज टीम नंबर सेवेंटीन यहाँ पे होल्ड किया है आई थिंक टीम नंबर फाइव के एक ही बंदा बाकी है ओके फोर मैन स्कॉड थी उनके पास पोजीशन थी और अपना सर्कल भी कटना शुरू हो चुका है आई थिंक ओके दो बंदे हैं टीम नंबर फाइव के टीम नंबर इलेवन अकेली टीम है जो अभी जोन में और सेफ है और हर एक को थोड़ा क्यों ना थोड़ा हो आना पड़ेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं येस टीम नंबर वन का ओके टीम नंबर वन का देखो कोई एक बंदा जोन से मर चुका है यहाँ पे फिलहाल है टीम नंबर थ्री टीम नंबर टू टीम नंबर फाइव टीम नंबर फोर्टीन वन टीम नंबर सेवनटीन टू वी टू वी टू वी वन की सिचुएशन है बिकॉज टीम नंबर सेवनटीन छोड़ा तो हर एक बंदा टू 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 के पेयर में कोई भी किसी भी की स्कॉर नहीं आई थिंक टीम नंबर इलेवन को जोन में आना आसान हो जाएगा बिकॉज उनके साइड से कोई नहीं है क्लस्टर जो है वो है एक साइड से जो कंपाउंड है वहाँ से आई थिंक टीम नंबर फाइव जोन में एंटर करने की पूरी कोशिश कर रही है टीम नंबर सेवनटीन ने मॉली आई थिंक टीम नंबर सेवेंटीन ने मॉली की है सो so यहाँ पे हम लोग टीम नंबर फाइव की तरफ चलेंगे उनके सेम कंपाउंड में सामने वाले कंपाउंड में टीम नंबर फोर्टीन है और टीम नंबर फोर्टीन पूरी तरह से टीपी पी रेडी है कि जैसे ही बंदा आएगा इंस्टेंट उन्हें नॉक कर दिया जाएगा यस टीम नंबर फाइव ने टीम नंबर थ्री के एक बंदे को ऑफ बर्ड देखा और यस ब्लीड आउट हो चुका है टीम नंबर थ्री का और एक बंदे ने उन्हें स्पॉट किया है लास्ट एच पी है यहाँ पे और एक फाइट उन्होंने इंगेज कर लिया है जोन के बाहर जाके बहुत ही बड़े एक बंदे को उन्होंने नॉक कर दिया है क्या बिकॉज जोन में हर किसी को जाना है और यहाँ पे टीम नंबर फोर्टीन और टीम नंबर फाइव का एक एक बंदा नॉक ए टीम नंबर फाइव का आई थिंक एक बंदा जोन में आ चुका है यस yes. टीम फाइव का एक बंदा धोन में आ चुका है टीम नंबर फोर्टीन का एक बंदा नॉक है अगर टीम नंबर फाइव का बंदा यहाँ पे अगर पूछ दिखाता है इंस्टेंटली तो यहाँ पे यस नेट करने की कोशिश बट सफल है बट उन्हें पता नहीं था बैक साइड पे टीम नंबर फाइव का और यहाँ पे कार ब्रश के बजे टीम नंबर फोर्टीन पूरी तरह से एलिमिनेट हो थी टीम नंबर फाइव आई थिंक हील करना चाह रहे बगट वो भी बच नहीं पाएंगे वो भी खत्म हो जाएंगे अब यहाँ पे बाकी है सिर्फ तीन टीम वो है टीम नंबर थ्री टू और टीम नंबर इलेवन टीम नंबर इलेवन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से फिलहाल आए टीम नंबर थ्री ऑफ गार्ड है और यहाँ पे टीम नंबर इलेवन के करण ने टीम नंबर ट्वेल्व के एक बंदे को पूरी तरह से नॉक किया वन वी की सिचुएशन एक बंदा नॉक किया और आई थिंक मुझे नहीं पता गाइस चिकन फिलहाल किसी ने किसने लिया है और यस यहां पे टीम करन जो कि हमारी टीम नंबर इलेवन थी एडवांटेज था और उन्होंने चिकन ले लिया है दो किल्स उन्होंने लिए आई थिंक तीन किल लिए तो, फोर किल टीम के करण के आग के एक किले और पार्थ के दो किले और यहां पे टीम नंबर टू आए आती है पायरेट जो हमारी टीम नंबर टू थी वो आती है सेकेंड पोजिशन पर मैन एडवांटेज था बट रॉन्ग डिसीजन जोन नहीं था डाउ, डाउन डाउन रिच उन्हें जोन में आना था और वहीं पे इंस्टेंटली फिनिश बट आई थिंक मैं कहूँगा कि टीम नंबर टू ने बहुत ही बढ़िया गेम का प्रदर्शन दिखाया था बिकॉज उनका एक अर्ली स्टेज में उन्होंने जैसे लैंड हुआ वैसे उन्होंने अपने एक बंदा मिस किया था और उन्होंने वहाँ से यहाँ तक पिकअप करके एक कील ले के सेकेंड पोजिशन लिए सो दैट्स गेमिंग स्पिरिट जो उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया मतलब एक क्लस्टर में से बाहर आके अलाय होकर देखा था एक टाइम पर हमें लगा था कि टीम नंबर फाइव यहाँ से जा सकती है के बाद टीम नंबर थ्री ने भी बहुत ही बढ़िया तरीके से किल्स वगैरह लिए उन्होंने भी आई थिंक यस उन्होंने बारह किल लिए और पिछले बार की हमारे विनर्स टीम जे सी बी यहाँ पर सिक्स पोजिशन पर बाहर जाते हुए टीम जे सी बी ने आई आई थिंक सिर्फ आठ किल लिए हैं मतलब किल डिपार्टमेंट प्रॉपर चला आई थिंक ये टीम बी है उनकी और टीम इंसेन सेकेंड टीम थी टीम इंसेन उन्होंने सेवन पोजिशन अब बाकी की रैंकिंग वाइज गेम पॉज करके मतलब वीडियो पॉज करके देख सकते हो मैं आपको दिखा दिए जा रहा हूँ ऐसे ही इफ़ यू गाइज लाइक दिस मैच मतलब आ, आपको अगर वीकेंड ही पसंद आया हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही कंटेंट के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना गाय और मैं और एक बार आपको कह देता हूँ गाइज यहाँ पे सारी की सारी टीम्स अंडरडॉक्स है मतलब एक भी प्रोफेशनल टीम नहीं है मैंने पहले वीडियो में कहा था आई थिंक ये प्रोफेशनली मतलब ई स्पोर्ट्स की प्रॉपर ऑर्गेनाइजर टीम इंसेंस नहीं है yes, ये नहीं थी गए अंडरडॉक टीम्स से लोकल टीम से बट उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से अरेंजमेंट किए और यहाँ पर आप फाइनल स्टैंडिंग देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मज़ा आएगा इस्पेशली लास्ट सर्कल में बिकॉज वो जो एक क्लस्टर बना हुआ था वहाँ से जो टीम नंबर टू ने पेशेंस के साथ अपना गेम रिकॉवर किया और गेम निकाला बहुत ही बढ़िया तरीके से मैच हुआ गए सो थैंक यू फॉर वॉचिंग तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था सो so, मिलते हैं अगली तरफ अगले दिन नेक्स्ट डे सो तब तक के लिए बाय बाय गुड बाय टेक केयर एंड पीस आउट